हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नाउन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, कॉमन नाउन कवर कर चुके हैं, प्रॉपर नाउन कवर कर चुके हैं, कॉन्क्रीट नाउन भी कंप्लीट हो चुका है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन आपने पढ़ा था कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है हमारा, जिसको हम फाइव सेंसेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हेयर एंड स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही हेयर कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, फिफ्थ वन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के अबाउट पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। टूडेज टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा? कलेक्टिव नाउन होता है, नोट करिए, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। इट मीन्स इसके अंदर हम सभी चीज़ों के ग्रुप की बात करेंगे, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो किसी थिंग्स की बात हो रही हो, चाहे वो किसी इंसान की बात हो रही है, किसी भी ग्रुप की बात होगी तो वो क्या होता है हमारा? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे सम कलेक्टिव nouns include crowd, batch, gang, herd, flock, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है, किसी भी ग्रुप की बात हो रही होगी तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ इसमें। अगर हम किसी पीपल की बात कर रहे होंगे, किसी इंसान के ग्रुप की बात कर रहे होंगे, जब क्या वर्ड्स यूज होते हैं? एनिमल के ग्रुप्स की बात कर रहे होंगे तो कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? किसी थिंग्स के ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? जिससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा इससे। तो फर्स्ट लिखते हैं पीपल के अबाउट। पीपल के अगर हम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, जैसे यूज कर सकते हैं बैंड ऑफ मैन, इसमें क्या हो गया बैंड, कास्ट, सर्कल, सर्कल किसका होता है? फ्रेंड्स का ग्रुप सर्कल होता है, वो उनको बोल सकते हैं। जैसे कि कंपनी, कंपनी भी लोगों की होती है। गैंग, गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गैंग। और क्या कर सकते हैं इसको, कास्ट, कास्ट क्या होती है, कास्ट ऑफ एक्टर्स बोलते हैं ना, ये अगर कोई मूवी ये सब सॉन्ग से शुरू होते हैं तो उसमें कास्ट लिखा होता है, उन लोगों के नाम लिखे होते हैं, होती है हमारी कास्ट, वो भी पीपल की बात हो रही होती है। अब क्या लिखेंगे, अब एनिमल्स, जैसे कि फ्लाइट, फ्लाइट वो वाला फ्लाइट नहीं है, एरोप्लेन वाला फ्लाइट, क्या फ्लाइट लेके यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। फ्लाइट मतलब कि ग्रुप की बात हो रही है एनिमल्स के, कौन से एनिमल, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वेड, नॉट, क्लस्टर, क्लस्टर का भी यूज होता है तो पता ही होगा आपको स्पाइडर्स के लिए, फ्लॉक, ठीक है। अब थिंग्स के ग्रुप की बात होगी तो हम क्या करेंगे, बैच यूज कर सकते हैं, अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ जग ऑफ वाटर, अ जार ऑफ हनी, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये सब चीजें।
अ बार ऑफ चॉकलेट, आप बार लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर होता है ना चॉकलेट में, तो अ बार ऑफ चॉकलेट। तो आप ये सब चीजें अगर याद कर लेंगे, प्यूपल के ग्रुप की बात हो रही होगी तो कहाँ सर्कल, कंपनी, गैंग, अगर एनिमल के ग्रुप की बात हो रही है नॉट, क्लस्टर, फ्लॉक, स्क्वायर, फ्लाइट और बर्ड्स, बैच, अगर थिंग्स की बात हो रही है बैच, बॉटल, जग, चार स्लाइस, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आई लिव विद माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो फैमिली क्या हो जाएगी इसमें, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। सेकेंड लेते हैं हम अ स्कूल ऑफ फिश जस्ट स्वैम बाय, स्विम का सेकेंड या थर्ड फॉर्म है स्वैम, ठीक है। तो इसमें स्कूल वो वाला स्कूल नहीं है जो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल मीन्स दैट कि अ ग्रुप ऑफ फिश, क्या ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। थर्ड लेते हैं हम, जैसे आपकी कोई क्लास में टीचर आती है तो वो क्या बोलती है, क्लास ओपन योर बुक्स, तो क्लास मतलब सभी स्टूडेंट्स की बात कर रही है वो, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनको क्या बोलेंगे हम, क्लास ओपन योर बुक्स। तो इसमें जो क्लास होगा वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि द टीम डिड अ ग्रेट जॉब, इसमें जो टीम है, टीम होती है क्रिकेट टीम, तो वो क्या हो जाएगी हमारे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये सब चीजें होती है हमारी जब किसी ग्रुप की बात हो रही होती है तो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ, जैसे कलेक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई जस्ट एडिड अ फ्यू न्यू स्टैम्प्स टू माय कलेक्शन, तो इसमें कलेक्शन वर्ड जो है वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या या कलेक्ट किया है, न्यू स्टैम्प्स को मैंने कलेक्ट किया है। किसी किसी को शौक होता है स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव नाउन। तो आज का हमारा टॉपिक था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कब यूज होता है, जब किसी ग्रुप की बात हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे रिमेनिंग पार्ट्स कौन कौन से बचे हैं। एक तो कंपाउंड नाउन बचा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये सब बहुत ईजी नाउन है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन कवर हो जाएगा। तो जब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखिए और इसके एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़िए ताकि आप फिर समझ आ जाए। जब तक के लिए आप इसको देखिए, थैंक यू।